हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अनुष्का और मैं आपके लिए आज लेके आई हूं नया व्लॉग, अ ट्रैवल व्लॉग। तो दिखाती हूं मैं आपको अब मेरी जर्नी कैसी रहती है इस बस सफर पे। और ढाबा हम यहां पे खाना खाने के लिए रुके हैं तो, और आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है यहाँ का। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, लाइव टर्बुलेंस देख सकते हैं। और खाने के साथ अगर ऐसे व्यूज मिल जाए तो बस खाने का मजा थोड़ा सा दुगना हो जाता है। कि अपने ब्लॉग पे तुमने लोगों को इनवाइट कर रखा है, लोग आए हैं ब्लॉग देखने, उन्हें कुछ खिला पिला के भेजना। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई है। हम कह ही रहे थे ना कि मौसम थोड़ा खराब है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है, पर नज़ारे तो बहुत ही प्यारे हैं। उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे देखने के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो नज़ारे ही होते हैं, और वही अगर खूबसूरत आपको ना मिले तो फिर कैसे, तो आपकी जर्नी ख़राब हो जाती है कि यार आए भी और कुछ मिला भी नहीं। तो काफ़ी कुछ अच्छा था। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए ऊपर मसूरी है। यहाँ पे रात में तो बहुत प्यारा लगता है मसूरी, बहुत ज़्यादा, और मसूरी से देहरादून और भी ज़्यादा सुंदर। भाई ब्लॉगर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। पीछे बैठ के कंटेंट बनाए जा रहे हैं हम, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कहीं जा ही नहीं रहे। देखो अब इधर बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं मैंने, बाकी देखो क्या होता है। पर ठंडी ठंडी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर तो ऐसी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, बिजली बिजली चमक रही है। भाई हमें तो ऐसा लग रहा है हम फोटो वोटोज तो नहीं खींचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है बारिश ही इतनी तेज होगी ऊपर। हिसाब ऊपर का थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा खराब है। बारिश तो बारिश, बारिश के साथ ओले भी हो गए। ये तो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है इतनी अच्छी कि बस स्नो का टाइम, स्नो पड़ जाए बस हम खुश हो जाएंगे, ओले ना पड़े स्नो पड़ जाए। एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है हमारी कि स्नो पड़ा दो बस थोड़ी सी, और यहाँ पे थोड़ा सा शांत होता हुआ माहौल। कुछ ज्यादा ही पर व्यू अच्छे हैं, बस हम गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे लैंड, और पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है, पता नहीं अभी देखो क्या होता है। भाई गए होटल पूछने, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो सही होगा, और मौसम का भी कुछ अता पता है नहीं अभी, तो देखते हैं। व्यू अच्छा है, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो आज की ट्रिप तो ऐसी ही है हमारी। कुछ कल जितने अच्छे से हम घूमे थे शायद ही आज हम घूमे हैं, क्योंकि आज हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। गाड़ी में बैठ के सर दर्द हो रहा है, और फिर वही है ना कि मौसम खराब हो रहा है, तो ना तो हम घूम सकते हैं ना निकल सकते हैं। क्या ही घूमे और क्या ही दिखाएं, फिर भी जितना मैंने कवर करना चाहा मैंने उतना कवर किया आप लोगों के लिए। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है आपको, इतनी मेहनत करी है और आए भी हैं सिर्फ आपके लिए, तो इतना तो बनता है, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। हालत देख सकते हो हमारी कैसी हो रही है, बिल्कुल थके थके, वैसे कुछ किया नहीं है सुबह से पर फिर भी थके हुए। यहाँ पे पूरी हिमालयन रेंज है, वो आप देख सकते हो उधर वाइट वाइट पूरा, ये सब हिमालयन रेंज है। है तो खूबसूरत पर बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत सुंदर व्यू है। अगर आप व्यू पॉइंट से देखने आ रहे हो तो ये जगह भी आप एक्सप्लोर करो, अच्छी है ये। सो हम आ गए यहाँ पे लाल टिप्पा पे, और बारिश तो पीछा नहीं छोड़ रही है, बट व्यू बहुत अच्छे हैं। पीछे माउंटेन है और आप देख सकते हो यहाँ पे हिमालयन रेंज है पूरी की पूरी,
स्नो से ढके हुए पहाड़ है यहाँ पे और बहुत अच्छा है। ठंड हो रही है तो थोड़ा ज़रूरी है ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा। चलो फिर दिखाते हैं आपको, मैंने कुछ कुछ चीज़ें कैप्चर करी हैं जितनी कर सकते हैं क्योंकि वेदर ऐसा हो रहा है यहाँ पे। बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है, फ्रीज हो रहे हैं हाथ पैर सब फ्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। इसका सहारा है, ये ना होती तो हम तो गाड़ी में बैठे होते हीटर चला रहे होते। पर व्यू अच्छा है तो आप आए देखें, अच्छा है व्यू यहाँ का। तो है बहुत इतनी सी जगह, इतनी सी इतनी नहीं है, इतनी बहुत बढ़िया इतनी सी जगह है। इतनी सी दिखा सकते हो, यही है बस जो है, ये घूम के पूरा व्यू पॉइंट घूम। अभी पी ले, ये भी ठंडी हो गई, अभी अभी आई, ये भी पूरी ठंडी हो गई। तो अब यहाँ लाल टिप्पा से हम टिप्पा होने वाले हैं, अब हम यहाँ से जाने वाले हैं। बस भाई वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि ठंड काफ़ी है यहाँ पे, तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। ये है लाल टिप्पा का कैफ़े, एक ये है और इसके एक बिल्कुल अपोजिट है, और पॉइंट नहीं है, पॉइंट वाला कैफ़े हो गया। हाँ पॉइंट वाला कैफ़े यही था, यहाँ से पूरी हिमालयन रेंज दिखती है, तो आओ तो इसी पर रुको, देखने को मिलेगा व्यूज यहाँ पे व्यू। नीचे है देहरादून, वो वहां पर नीचे देहरादून है दिख रहा है, इधर मसूरी। ये रोड वन वे है तो यहाँ पे ये तो फंस चुकी हैं बेचारे, मोड़ भी नहीं रही है गाड़ी और पीछे भी नहीं जा रही है सही से। तो यहाँ आए तो केयरफुली सारे इंस्ट्रक्शंस देख के आए। इन बारिश प्लस बर्फ के ओले, ओले नहीं और कैसी ट्विस्ट हो गई है हमारी टंग, कैसी हमारी ट्विस्ट हो गई है टंग। सो चलते चलते कुछ काम करना था तो हमने सोचा बारिश ही करवा दी जाए, तो यहाँ पे अच्छे से बारिश हो रही है। आकी लैंड और बेकरी है, बेकरी बाजार सब मॉल रोड सब यहाँ पे, यही है। बारिश के चक्कर में पूरी बैंड बच चुकी है और बारिश बहुत तेज़ हो गई है, कुछ ज़्यादा ही तेज़। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स हैं, मिल रहे हैं सामान वामान। यहाँ की लैंडोर बेकरी है और बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, वेदर देख सकते हो, पर खूबसूरत है, छोटी सी है बहुत प्यारी है। तो हालत तो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी हो रही है हमारी, और थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि ठंड लग गई है हमें क्या, मुझे ठंड लग गई है थोड़ी बहुत, पर ठंड है, पूरे कपड़े उपड़े गीले हो रहे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है ऊपर। तो आपको, आप यहाँ तक पैदल ही आओगे, कार वार से नहीं आ सकते हो तो, क्योंकि काफ़ी 100 मीटर शायद आना पड़ेगा आपको, ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर ही आना पड़ेगा। वो बेचारा, इसे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और उधर सूरज निकल रहा है तब भी ये हाल है, देख लो आप, तब ये हाल है यहाँ के। पर अच्छी है जगह, अरे वाओ आपको दिख रहा है रेनबो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सारे कलर अच्छे से दिख रहे हैं, पर्पल ब्लू रेड ऑरेंज सब। मैं तो नहीं चलाती स्नैपचैट, ना मुझे चलाना आता, और जैसे ही वो स्नैपचैट निकालता जी वो जो कान निकाल देता है स्नैपचैट, वो इन्हें बड़ा कूल लगता है। क्या जनरेशन है तुम्हारी बे, बोल लो भाई कुछ बोल लो, मेरी हालत तो बोलने लायक बची नहीं है। क्या किया आप लोगों ने बेचारी को, क्या से क्या बना दिया, मेकअप आर्टिस्ट ट्रैवल ब्लॉगर बनी हुई है, हर जगह पैर मार रही है लोडिया हमारी, कह रही है बस लाइक कर दो इस वीडियो को, और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं लाइक किया ना तो अच्छा कमेंट तो कर दो ये वीडियो कैसी लग रही है, तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। अच्छा अगर अनुष्का ने यहाँ पे 20 कमेंट आ गए ना अनुष्का के लिए, तो अनुष्का डेली ब्लॉगिंग शुरू कर देगी राइट। हाँ बिल्कुल, 20 कमेंट पे जितना भी होगा, 20 कमेंट और 50 लाइक, बस इतना ही टारगेट है, 20 कमेंट 50 लाइक कर देना यार प्लीज, कर दो यार, इतनी मेहनत करी है मैंने, रीच मिलेगी। I
और अनुष्का ने देखो घुमाया भी है, एक मिनी व्लॉग के अकॉर्डिंग अनुष्का ने अच्छा घुमाया है। पहली बात तो ये है, ये मिनी व्लॉग है, पहली बता दे रही हूँ। जो मेरा मेन चैनल है वेडिंग सिबलिंग्स, वो आपको पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मैं, तो आप लोग देख लेना उसमें, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट इस पे भी कर दो, थोड़ा भला मेरा कर दो, थोड़ा भला उधर कर दो। पता है मैं इतना बातूनी हूँ ना, इसके व्लॉग में भी मैं चुप नहीं होता। अपने व्लॉग में तो चुप होते ही होते नहीं है, मुझे भी नहीं बोलने देते, मेरे व्लॉग में भी चुप नहीं होते। ये है मॉल रोड यहाँ की। हेलो भाई, ठंड नहीं लग रही क्या? आप रिक्शा भी कर सकते हो यहाँ पे मॉल रोड घूमने के लिए, और पैदल भी घूम सकते हो। शॉप्स वॉप्स हैं तो आप शॉपिंग वॉपिंग भी कर सकते हो यहाँ पे काफ़ी। ये है पूरा दिवाली का माहौल, मसूरी से देहरादून का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा। बहुत खूबसूरत है, कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। तो मसूरी थोड़ा यहाँ पे, मसूरी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे, मॉल रोड पे, तो आप देख सकते हो नीचे पानी वानी है, और मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, दिख गया। हाँ, ये व्यू तो भाई बहुत खूबसूरत है, इसका तो जवाब ही नहीं है। सोचो अभी कि ऐसा है तो दिवाली पे कितनी रौनक होती होगी यहाँ पे देहरादून में, मसूरी टू देहरादून, और इधर पूरी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड नहीं है, चलो अब नहीं लग रही है क्योंकि अब हम लोग चल रहे हैं ना, तो बैठे हुए थे तो हमें ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो देख सकते हो हालत कितने अच्छे से बन के आए थे और कितने अच्छे बन चुके हैं हम। देखो अच्छे लग रहे हैं ना भाई, जैकेट निकल गई हैं और सब कुछ। हाँ, तो काफ़ी ठंड भी है, और रोड तो मैंने आपको दिखाई है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रोड पे, सो अच्छी बात है। आप अनुष्का को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी ये रखी, देखो ये रही, ये इधर इधर रखो, इधर ये रही, ये रही, ये रही। तो अगर आप मसूरी आ रहे हैं, चक्राता आ रहे हैं, लैंडोर आ रहे हैं, या कहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी प्लेस थी वो, धनौल्टी आ रहे हैं, तो प्लीज ये वेंडिंग सिब्लिंग्स पे जो ब्लॉग डलेगा, आप मसूरी वाला, चक्राता वाला तो आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल ए टू जेड डिटेल में दिया गया है वो पूरा। सो चलिए, और कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, बट ये थी इम्पॉर्टेंट बात कि आप दोनों अकाउंट को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। शाइन ऑन गर्ल मैं हूँ, और वेंडरिंग सिब्लिंग्स हम दोनों हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों अकाउंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा वेंडरिंग अकाउंट को। सो चलो कुछ और दिखाते हैं। फॉर द इन्फॉर्मेशन, अनुष्का एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा है, मसूरी क्वीन, क्या लिखा है, क्वीन ऑफ हिल्स। हाँ ये देखो अच्छा है ये। यहाँ पे मसूरी की ट्रिप खत्म होती है, मैंने जितना भी दिखाना था आपको दिखा दिया है, एक छोटा सा मिनी व्लॉग है, तो आप उसको काफी सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, बट मैंने फिर भी मेहनत करी है इस ब्लॉग को बनाने में। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस ब्लॉग को, और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो अनुष्का की तरफ से गुड नाइट।